हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को जो बताने जा रही हूं, मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, क्या पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे कि मेरे पास क्वेरी आई है कि मैम, हमने इंटरकोर्स किया था, उसके हमारे 3-4 महीने तक हमें पीरियड्स आए और फिर उसके बाद 5वें महीने में हमें पीरियड्स आना बंद हो गए, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 20 दिन लेट हो गए हैं, 25 दिन लेट हो गए हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या प्रेगनेंसी है। तो ऐसी क्वेरीज मेरे पास काफ़ी सारी आ रही हैं जिसमें कि लोग उनको वो बोलते हैं कि हमने, मतलब मान लीजिए अप्रैल में हमने इंटरकोर्स किया और जैसे अब दिसंबर तक मतलब अप्रैल से नवंबर तक हमें पीरियड्स आए हैं और दिसंबर में हमें पीरियड्स नहीं आए हैं, तो क्या प्रेगनेंसी है। तो इन सभी के लिए मैं आपको आज सारी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, क्या प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती है। देखिए, अगर आपको इंटरकोर्स के बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लगातार पीरियड्स हुए हैं तो प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या पीरियड्स में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो पीरियड्स टाइम पर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें आप प्रेग्नेंट होने के बहुत कम, मतलब आप सोच लीजिए 5% चांसेस होते हैं। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आपको इंटरकोर्स के बाद 3 से 4 महीने पीरियड आए हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरकोर्स के बाद हल्की सी स्पॉटिंग हुई है और फिर आपके पीरियड्स नहीं आए हैं तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अब मैं आपको डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए क्या होता है, सबसे पहले लड़की को ये पता होना चाहिए, फीमेल पार्टनर जो आपकी है उसको ये पता होना चाहिए उसकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, यानी कि उसकी जो पीरियड साइकिल है पीरियड्स कितने दिन में आते हैं, 28 डेज की पीरियड साइकिल है, 30 डेज की है, 35 डेज की है, या फिर उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, उसको पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, 15 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, 20 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये इरेगुलर पीरियड्स काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए अपनी पीरियड साइकिल, तो आप उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको कंसीव हो सकता है उस टाइम पर भी। अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स नहीं हैं, आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल है, तो पीरियड्स टाइम पर कंसीव नहीं होगा। देखिए वो इसलिए, देखिए आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल है, 28 डेज की है या 30 डेज की है, तो जो आपका फर्टाइल विंडो है, आपका ओवुलेशन टाइम है, वो आपके पीरियड से 13-14 दिन के बाद हो जाता है, तो ये आपको पता हो गया। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, कभी आपको 40 डेज में हो रहे हैं, कभी 50 डेज में हो रहे हैं, कभी 2 मंथ्स में हो रहे हैं, तो ये इनको बोलते हैं इरेगुलर पीरियड्स, या आपको पीरियड हो जाते हैं 15 दिन में पीरियड्स हो जाते हैं, तो ये इरेगुलर पीरियड्स है। तो इरेगुलर पीरियड्स वालों को प्रेगनेंसी पीरियड्स टाइम पर हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि उनका यही भी पता होता है कि उनका ओवुलेशन कब हो रहा है, क्योंकि उनका पीरियड जो साइकिल है वो अलग अलग टाइम पर होती है, तो ये पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उनका ओवुलेशन कब हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड के तुरंत बाद, जैसे मान लीजिए आपने पीरियड्स टाइम पर इंटरकोर्स किया है, तो पीरियड के तुरंत बाद आपका ओवुलेशन हो गया है, तो आपके अंदर तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ऑलरेडी अंदर हैं, तो वो तो क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो महिला की बॉडी के अंदर कम से कम 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं, तो आपने उस टाइम पर इंटरकोर्स अगर कर लिया है, मतलब मान लीजिए आपने इंटरकोर्स किया उसके 2 दिन बाद आपका ओवुलेशन हो गया, तो ऑलरेडी आपके अंदर स्पर्म्स हैं और आपका एग भी रिलीज हो गया है, तो आपका उस टाइम पर कंसीव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है कि आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर तो नहीं है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड साइकिल वालों का अपना ओवुलेशन नहीं पता होता है, नहीं वो काउंट कर पाते हैं, क्योंकि अगले महीने का पता ही नहीं है पीरियड कब आना है, 15 दिन में आना है, 30 डेज में आना है या फिर 40 डेज। रेगुलर पीरियड्स हैं उनके लिए प्रेगनेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन जिनके रेगुलर पीरियड्स हैं उनको प्रेगनेंट होने के उस टाइम पर बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि उनका तो ओवुलेशन टाइम है जो वो टाइम पर होता है, तो उसमें आपका चांसेस कम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कब आपको पीरियड टाइम पर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जैसे नॉर्मली क्वेश्चन अगर है कि क्या पीरियड्स में प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो अगर आपके रेगुलर पीरियड हैं तो पीरियड्स टाइम पर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं तो पीरियड्स टाइम पर आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और आपको अपना फर्टाइल डेज पता होना चाहिए, आपका अपना ओवुलेशन टाइम पता होना चाहिए, बस ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।